18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। हुआ ये था कि सन 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज्यादा फेमस ब्राउजर हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इस वजह से एक ही रात में गूगल ने अपने ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिए थे। और ये कहना एकदम सही रहेगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचाई उस समय गूगल में ना होते तो। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो बचपन में टीवी होता था और ना ही कोई कार, आज वो ना सिर्फ एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी गूगल बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी मिस्टर सुंदर पिचाई की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिचाई सुंदराजन, जिन्हें की हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु की एक सिटी मदुरई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता मिस्टर रघुनाथ पिचाई जीईसी नाम की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी माँ मिसेज लक्ष्मी इनके जन्म से पहले एक स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी फैमिली भी उस दौरान एक दो रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी और उस टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पिता को अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक सेविंग्स एंड वेट करना पड़ा था। और जब ये अराउंड 14 साल के थे तब जाकर इनके घर में इनका पहला लैंडलाइन टेलीफोन आया था। पर ये शुरुआत से ही काफी होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे एंड इन्होंने 1993 में IIT खड़गपुर से अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली एंड मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में MS करने के लिए US चले गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पर इनकी US की फ्लाइट का खर्चा इनके डैड की ऑलमोस्ट 1 साल की सैलरी के बराबर था, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और ये US पहुंच गए। उस टाइम इनका प्लान ये था कि ये MS की डिग्री पूरी करते ही फिर PhD की पढ़ाई शुरू कर देंगे, पर फिर इन्होंने बीच में ही वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड से MS की डिग्री लेने के बाद अप्लाइड मटेरियल्स नाम की एक कंपनी में एज ए इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। पर इस कंपनी में इन्होंने ज्यादा टाइम तक काम नहीं किया एंड फिर MBA की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में MBA के लिए एडमिशन ले लिया। इन्होंने 2002 में यहां से अपने MBA की पढ़ाई पूरी करी। MBA के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंजी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ ही दिनों के बाद अपनी IIT की बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। और सन 2006 वो साल था जब इन्होंने फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे गूगल में जॉब ज्वाइन करी और उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस Gmail भी लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गूगल में इनकी रियल सक्सेस जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये गूगल के फाउंडर्स की नजरों में और बाकी एम्प्लॉयज के बीच लाइमलाइट में आ गए। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूल बार का था। ये टूल बार उस समय काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस टूल बार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब एरिक स्मिथ गूगल के CEO थे एंड उस टाइम पर पिचाई ने एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज को बोला कि गूगल टूल बार प्रोजेक्ट तो ठीक है पर हमें अपना खुद का एक ब्राउजर भी बनाना चाहिए। और ये सुनकर एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज ज्यादा खुश नहीं हुए एंड सुंदर पिचाई का ये प्रपोजल और आइडिया उन्होंने ठुकरा दिया एंड ये कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ब्राउजर के तौर पे एग्जिस्ट करता है और हम अपना ब्राउजर बनाकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ गूगल टूल बार पर ही ध्यान दो और यही प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तब पिचाई ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा एंड शायद हमें उससे पहले अपना ब्राउजर बना लेना चाहिए। बट उनकी इस बात पर भी एरिक एंड लैरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उन्हें सिर्फ गूगल टूल बार पर ही फोकस करने को कहा। पर उसके बाद फिर पिचाई ने ये टॉपिक कभी नहीं छेड़ा एंड बस गूगल टूल बार के प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने बहुत पहले ही कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया एंड ठीक एक ही रात में गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिए। पर तब तक पिचाई और उनकी टीम गूगल टूल बार ऑलमोस्ट बना ही चुकी थी एंड बचा हुआ काम पिचाई एंड उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया एंड गूगल टूल बार मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वो वापस गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना लेते थे। इस टूल बार से गूगल को काफी मदद मिली एंड खोए हुए 80% कस्टमर्स भी गूगल के पास वापस आ गए। पर तब तक लैरी पेज एंड एरिक स्मिथ को सुंदर पिचाई की वैल्यू समझ आ गई थी एंड लोग इन्हें एक विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के टैग से भी जानने लगे थे। इस इंसिडेंट ने एरिक एंड लैरी पेज को फाइनली
सुंदर का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई। और 2008 में सुंदर पिचाई की मैनेजमेंट के अंदर उनकी टीम ने गूगल क्रोम लॉन्च कर दिया और ये अपने आप में एक ग्रैंड सक्सेस रहा, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउजर बन गया था। गूगल के इस प्रोडक्ट से सुंदर पिचाई को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन मिली और 2008 में ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां इन्होंने एंड्रॉयड 1 की शुरुआत करी एंड 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया। और बहुत ही कम टाइम में सुंदर पिचाई को दोबारा प्रमोट करके हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट दे दी गई 2014 में। इस टाइम पर सुंदर पिचाई को ऑलमोस्ट हर दूसरी बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे थे एंड यहां तक कि इन्हें ट्विटर से भी ये ऑफर आया कि ये हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट पे ट्विटर को ज्वाइन कर लें। एंड कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर के सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए भी एज अ कैंडिडेट कंसीडर किया गया था, पर इन्होंने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी एंड रिटेन करने के लिए इन्हें 2015 में गूगल के सीईओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों कई बार इन्हें लैरी पेज से बेटर सीईओ भी बताया गया है एंड यूं ही नहीं 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। आज सुंदर पिचाई वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं एंड हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है। दोस्तों ये थी सुंदर पिचाई की लाइफ स्टोरी एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।